बजरंग दल द्वारा अखंड भारत संकल्प दिवस कार्यक्रम का आयोजन 13 अगस्त को आर्यनगर स्थित सरस्वती विद्या मंदिर में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय महामंत्री मिलिंद पांडे शिरकत करेंगे। इस कार्यक्रम के बारे में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए बजरंग दल के प्रांत संयोजक दुर्गेश त्रिपाठी ने कहा कि विश्व हिंदू परिषद का मानना है कि 15 अगस्त को भारतवासियों को मिली आजादी अधूरी आजादी थी, जिसको लेकर बजरंग दल हर वर्ष अखंड भारत संकल्प दिवस कार्यक्रम का आयोजन करता है। उन्होंने कहा पत्रकार वार्ता के माध्यम से मैं गोरखपुर के लोगों को यह संदेश देना चाहता हूँ कि आगामी 13 तारीख को विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय महामंत्री श्री मिलिंद पांडे जी का प्रथम बार आगमन गोरखपुर में हो रहा है। जो गोरखपुर में आगमन के पश्चात यहाँ पर अखंड भारत संकल्प दिवस के एक बहुत बड़े कार्यक्रम को सरस्वती विद्या मंदिर में संबोधित करने वाले हैं। आज पत्रकार वार्ता के माध्यम से हम लोग उस कार्यक्रम की तैयारी को जन जन तक पहुँचाने के लिए उपस्थित हुए हैं। उस कार्यक्रम के लिए पूरे नगर को भगवा ढंग से मार्ग को सजाया जा रहा है, प्रखंडों में बैठकें हुई हैं। उनके आगमन से कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है, क्योंकि ये कार्यक्रम बजरंग दल का है। अखंड भारत बजरंग दल का स्वप्न है कि भारत माँ का वो अखंड स्वरूप फिर से वापस लाना है। तो बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने मोटरसाइकिल जुलूस अन्य माध्यमों से अपनी तैयारियाँ पूरी करके रखी हुई हैं। बजरंग दल का ये मानना है कि 15 अगस्त को मिली आज़ादी खंडित आज़ादी थी और खंडित भारत माँ का खंडित स्वरूप बजरंग दल को स्वीकार नहीं है। अतः बजरंग दल पूरे भारत में प्रतिवर्ष 14 अगस्त को यह संकल्प लेता है कि भारत माँ का वो अखंड स्वरूप पुनः वापस लाएंगे, भारत माँ का वो भव्य स्वरूप जिसमें अफगानिस्तान, कांधार, म्यांमार सब भारत में पुनः एक राज्य के तौर पर जुड़ जाएंगे, ऐसा स्वरूप पुनः वापस आएगा। इसी संकल्प को लेकर भारत बजरंग दल पूरे भारतवर्ष में अखंड भारत संकल्प दिवस के कार्यक्रम करता है और इसी कार्यक्रम के निमित्त प्रथम बार आगमन मिलिंद पांडे जी का हो रहा है।